Now we have to discuss parallel connection of cell. In previous video we have studied series connection of cell. Now we will discuss parallel connection of cell. So here we will start with the two cells having EMF E1 and E2, and they are connected in parallel. The internal resistance are R1 and R2. So pehle hum figure bana dete hain yahan par. Suppose hum aise do cells consider karenge. EMF is E1, internal resistance is R1, another one, internal resistance R2, EMF E2. आगे हमने इस टाइप की एक सर्किट ऑलरेडी ड्रॉ की हुई थी जो सीरीज कनेक्शन में थी. अभी एक्चुअली देखा जाए तो ये सीरीज कनेक्शन है क्योंकि करंट यहां से फ्लो करके ऐसे जा रहा है और पूरी ब्रांच में करंट सेम रहता है. लेकिन अगर हमें इसको पैरेलल में कन्वर्ट करना है तो हम यहां पर एक और वायर कनेक्ट करेंगे और उसको एक्सटर्नल सर्किट के साथ अटैच कर देंगे. तो सपोज हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं पॉइंट ए, ये पॉइंट को B1 डिनोट करेंगे, यहां पर ले लेते हैं पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट B2. अब सर्किट में ये वाली बैटरी में से जितना भी करंट निकलेगा, फॉर एग्जांपल वी कंसीडर I1, वो I1 करंट यहां से फ्लो करके B1 तक पहुंचेगा. B1 पर आने के बाद वो यहां से आ जाएगा. सिमिलर वे अगर हम E2 में से निकलने वाले करंट को कंसीडर कर लेते हैं I2, तो I2 करंट भी यहां पर फ्लो करेगा और I2 करंट, ये I1 करंट था, ये दोनों यहां पर आके कंबाइन होंगे. कंबाइन होकर ये डायरेक्शन में करंट I फ्लो करेगा. अब टोटल सर्किट में I करंट A पॉइंट के थ्रू बाहर निकला है, इसका मतलब कि B पॉइंट के थ्रू उतना ही करंट एंटर होना चाहिए चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल से. तो वो करंट यहां पर दो पार्ट में डिवाइड होगा, इसका मतलब ये बना I1 और ये बना I2. तो सबसे पहले तो दो सेल का सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का डिफरेंस समझ लेते हैं. अगर करंट को बाहर निकलने का एक एक्सटर्नल पाथ मिलता है तो ऐसे केस में वो दोनों पैरेलल में आते हैं. अगर यही सर्किट में हमने ऐसे ही सिर्फ कनेक्शन किया होता इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ, जिसमें करंट को यहां से बाहर निकलने का कोई पाथ नहीं मिलता, वो कंपलसरी सेकंड बैटरी में ही एंटर करता है, तो ये कनेक्शन को हम सीरीज कनेक्शन बोलते हैं, पैरेलल नहीं, ये कनेक्शन पैरेलल हुआ. तो ये दोनों सर्किट में डिफरेंस जो है वो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए. अब फर्स्ट विल ट्राई टू फाइंड आउट रिजल्टेंट ईएमएफ ऑफ दिस टू सेल. यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B1 एंड पॉइंट B2 विल बी इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज बिटवीन ईएमएफ E1, बैटरी, ये वाली बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज जो बनेगा दैट विल बी V1, एंड सिमिलर वे सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज बिटवीन दिस सेकंड बैटरी आल्सो V2. सो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं V. नाउ इफ वी अप्लाई किरचॉफ जंक्शन लॉ एट पॉइंट B फॉर पॉइंट B1, इफ वी अप्लाई किरचॉफ जंक्शन लॉ इन दैट केस टोटल करंट एंटरिंग इनटू द जंक्शन इज इक्वल टू करंट कमिंग आउट ऑफ द जंक्शन. सो करंट विच इज कमिंग आउट ऑफ द जंक्शन इज I, दैट इज इक्वल टू करंट एंटरिंग विच इज इक्वल टू I1 प्लस I2. सो हियर वी हैव वन इक्वेशन. नाउ इफ वी राइट टर्मिनल वोल्टेज हियर फॉर बैटरी ऑफ E1 सेल, सो V1 is equal to E1 minus I1 into R1. लेकिन V1 की वैल्यू जो है वो V जितनी है, इसलिए इसको हम डायरेक्टली V कंसीडर कर लेते हैं. सो I1 R1 is equal to E1 minus V. That means I1 is equal to E1 minus V upon R1. ये हमें एक इक्वेशन मिला करंट I1 के लिए. सेकंड बैटरी को अगर हम सिंप्लीफाई करें फॉर E2 बैटरी के लिए सेम V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 इनटू R2. V2 इज आल्सो V, सो V इज इक्वल टू, नाउ
I2R2 is equal to E2 minus V. That means I2 is equal to E2 minus V upon R2. So now we have I1 and I2 both. If we substitute those values, I1 and I2, in our first equation, then I will be equal to, first was I1, that means E1 minus V upon R1 plus second is I2, which is E2 minus V upon R2. So this is equal to E1 upon R1 plus E2 upon R2 minus V in bracket 1 upon R1 plus 1 upon R2. This is value of I. जनरली हमें V के फॉर्म में इक्वेशन को लिखना होता है, तो यहां पर V वाले टर्म को सब्जेक्ट बनाएंगे, राइट, लेफ्ट साइड ले लेते हैं, V इनटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस I. सो हियर V इन ब्रैकेट R1 plus R2 upon R1 into R2 is equal to here E1 into R2 plus E2 into R1 upon R1 into R2 and minus I. So we can take LCM for these two terms here. So that will convert into V in bracket R1 plus R2 upon R1 into R2 is equal to E1 R2 plus E2 R1 minus I into R1 R2. I into R1 into R2 divided by R1 into R2 R1 into R2. So here this R1 R2 will get cancelled. So V is equal to, this term will be in division of this two. So E1 R2 plus E2 R1 upon R1 plus R2 minus I into R1 into R2 upon R1 plus R2. So now we have one equation which is in terms of V is equal to E minus I into R. We write this our first equation, suppose. Now if we consider equivalent EMF of these two battery has EMF E equivalent and internal resistance as R equivalent, then this will be B1 point, B2 point, here is A point and this is B point. Suppose current flowing is I here. Now, if we find out potential difference between A or B or B1 or B2, then it will be equal to V is equal to E equivalent minus I into R equivalent. This is our second equation. Second equation is for resultant battery. So if we compare equation 1 and 2, comparing equation 1 and equation 2, here we'll get equivalent EMF as E1 R2 plus E2 R1 upon R1 plus R2. Which is important equation to solve numericals. And similar way,
R equivalent is equal to R1 into R2 upon R1 plus R2. So this is our R equivalent. Now, if we write this equation in further simplified form, we can take ratio E equivalent upon R equivalent. We are taking ratio of these two equations, E equivalent and R equivalent. So here E1 R2 plus E2 R1 upon R1 plus R2. This will be in division, so it is R1 into R2 upon R1 plus R2. So R1 plus R2 will be cancelled. Here we will take E1 R2 upon R1 R2 plus E2 R1 upon R1 R2. R2 will get cancelled. So E1 upon R1 plus this will be E2 upon R2. Here R1 will get cancelled. So ye hume formula mila E equivalent upon R equivalent ke form mein. Same way 1 upon R equivalent likhte hai. So 1 upon R equivalent will become 1 upon R1 plus 1 upon R2. So generally ye equations hum yaad rakh sakte hai. Now if n number of such cells are connected in parallel like this, E1 R1 E2 R2 and so on, En Rn, like this in external circuit current is I. So for n such cells the general equation will be, for n cells in parallel E equivalent upon R equivalent is equal to E1 upon R1 plus E2 upon R2 plus up to En upon Rn. So this is our general equation. Similar way for equivalent resistance, 1 upon R equivalent will be equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 up to 1 upon Rn. Now if we consider that these cells are having same value, if E1 is equal to E2 is equal to E3 is equal to up to En is capital E, and R1 is equal to R2 is equal to up to Rn is equal to R, then this equation will become E equivalent upon R equivalent is equal to E upon R plus E upon R plus up to n times, that will be equal to n E upon R. And 1 upon R equivalent is equal to 1 upon R plus 1 upon R up to n times, so this will be also n upon R. So this is our equivalent EMF upon resistance, and this is resistance. This is 1 upon R equivalent. So here if we write R equivalent, that will become R upon N. So when resistances are connected in parallel, resultant resistance is 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. Same formula here we are getting. And the simplification of that is R upon N. Now if we put this value in this equation, E equivalent upon R equivalent equation here, then E equivalent
equivalent divided by R equivalent is what? R divided by N, which is equal to N E upon R. This R cancel, this E cancel. So E equivalent is equal to E. This is one important condition. ये चीज क्या इंडिकेट कर रही है? तो हम कितने भी सेल इक्वल कैपेसिटी के पैरेलल में अटैच कर दे, जो सबका रिजल्टेंट ईएमएफ बनता है वो किसी एक ईएमएफ के जितना होना चाहिए. दो सारे सेल की ईएमएफ सेम है तो कोई एक ईएमएफ की वैल्यू सारे पैरेलल कनेक्शन के ईएमएफ के जितनी होती है. तो पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहना चाहिए, इसलिए पैरेलल में सेल का ईएमएफ, एक सेल का कंसीडर करो या 10 सेल का कंसीडर करो, वो सेम रहता है. और इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो है वो जनरली जो पैरेलल के लिए लगता है वही फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होता है. तो ये हमने डिस्कस किया, जब पैरेलल में सेल अटैच होते हैं तो ईएमएफ का क्या होता है और रेजिस्टेंस का क्या होता है. अब हम डिस्कस करते हैं कि सर्किट में करंट का क्या होता है. तो करंट फाइंड करने के लिए हम एक फिर से लूप बनाते हैं. यहां पर कुछ बैटरीज कनेक्ट करेंगे और एक्सटर्नल सर्किट में एक रेजिस्टेंस अटैच करेंगे और हम ट्राई करेंगे वो रेजिस्टेंस में से फाइंड फ्लो होने वाले करंट को फाइंड करने की. तो सपोज हमारे पास इवन कैपेसिटी की एक बैटरी है विच इज कनेक्टेड विथ पॉइंट ए हियर. वी हैव वन मोर बैटरी E2 capacity, internal resistance R2, that is also connected with that point A. Now, negative terminals are connected with point B. And from point A, we are connecting one external resistance capital R. So, this is capital R, which is external resistance. Now, if we see current flowing into the circuit. First, battery even. Even battery के positive terminal में से suppose I1 current flow करता है. ये I1 current A point तक पहुंचेगा. ये वाली battery जो है उसके positive terminal में से हम consider कर लेते हैं कि I2 current निकलता है. I2 current B A point पर पहुंचेगा. दोनों current यहां पर add up हो जाते हैं और ये current बन जाता है I. I करंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में फ्लो कर रहा है, हमें ये I करंट को फाइंड करना है. और यहां से फिर से वो I1 और I2 में I करंट B पॉइंट पर पहुंचने के बाद B जंक्शन पॉइंट इट विल बी अगेन डिवाइडेड इनटू करंट्स I1 एंड I2. तो हमने यहां पर सर्किट में करंट किस टाइप से डिवाइड होंगे वो नोट कर लिया. अब सबसे पहले तो अगर हम पॉइंट A के लिए पॉइंट ए पर जंक्शन लॉ अप्लाई करें, सो फॉर पॉइंट ए जंक्शन पॉइंट ए आई विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2. सपोज दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन. नाउ इफ वी अप्लाई किरचॉफ सेकंड लॉ फॉर लूप, सपोज वील स्टार्ट विद द इवन, देन वील गो टू पॉइंट ए. Then from point A will go to resistance R. Then from resistance R will go to point B. B to again battery, even back. We are taking this path. So if we apply Kirchhoff's second law, first battery, we are crossing the battery from negative terminal to positive terminal. So we have to take plus sign. EMF is even. Now current I1 is flowing here, current I is flowing, there is no resistance here. Directly we get this resistance minus I into capital R. Now we are at B point. B से हम आगे जा रहे हैं, एक और resistance आया internal minus I1 into R1. हमारा loop complete हो गया, तो is equal to 0. अगर हम यहाँ पर I1 को find करें, so I1 R1 is equal to E1 minus I into R. That means I1 is equal to E1 upon R1 minus IR upon R1. ये हमें I1 की वैल्यू पता चल गई. सेम वे इफ वी टेक दिस लूप, फॉर लूप
E2 to point A, then from point A will go to resistance R, R to again point B, and from B to EMF E2. We'll apply second law again here. Plus E2 from negative terminal to positive terminal of battery, voltage will increase. E2 from point A, so here there is no resistance, minus I into R. यहां से हम जाएंगे B point पर, B2 like this, यहां पर resistance again आया, so minus I2 into resistance R2. यहां पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए अकेला I कभी नहीं लिखा जाता है. वोल्टेज का ड्रॉप तभी होता है जब रेजिस्टेंस हो. तो यहां पर हम परफेक्ट कंडक्टर कंसीडर करते हैं, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस सीधा बैटरी का इंटरनल आया, तो वो हमने सबट्रैक्ट कर दिया, लूप कंप्लीट हो गया, तो इज इक्वल टू 0 ले लिया. सो I2 R2 इज इक्वल टू E2 माइनस IR, दैट मींस I2 is equal to E2 divided by R2 minus IR divided by R2. We have value of I2 here. Now we can substitute value of I1 and value of I2 in our first equation. So substituting I1 and I2 in equation number 1, what we'll get? I is equal to I1 is E1 upon R1 minus IR upon R1 plus E2 upon R2 minus IR upon R2. So this is equal to E1 upon R1 plus E2 upon R2 minus IR, we can take common from these two terms, 1 upon R1 plus 1 upon R2. So this is I. Here we have I. So we'll take this term on left hand side, minus IR in bracket 1 upon R1 plus 1 upon R2 is equal to E1 upon R1 plus E2 upon R2. So if we further simplify it, so I, we take common from these two, 1, sorry, this will be plus sign. So plus capital R in bracket 1 upon R1 plus 1 upon R2 is equal to E1 upon R1 plus E2 upon R2. That means finally current I is E1 upon R1 plus E2 upon R2 divided by 1 plus capital R, 1 upon R1 plus 1 upon R2. So we can write this term in different form. Then for n such cell, for such cells in parallel, this I will become summation of I starts from 1 to n cell EI upon RI divided by 1 plus capital R in bracket summation I starts from 1 to n, 1 upon R1 plus 1 upon R2, that means 1 upon RI. So this is our simplified form for n parallel cells. So we can take here one specific case. If all cells are having same EMF and internal resistance, that means this is E, E like this, and resistance also R, R like this. So in that case, I will be equal to, यहां पर हमें n ऐसे सेल को ऐड करना है
इसलिए सबका एडिशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो ई अपॉन आर प्लस ई अपॉन आर प्लस ई अपॉन आर एन टाइम करेंगे तो एन ई अपॉन आर बनेगा एंड इन डिनोमिनेटर ऑल्सो वन प्लस आर इन ब्रैकेट वन अपॉन आर एन टाइम करेंगे सो दिस विल बी एन अपॉन आर. सो इफ यू टेक आर एस एलसीएम डिवाइड बाय सो आर प्लस एन इंटू कैपिटल आर अपॉन आर ये दोनों आर कैंसल हो जाएंगे सो आई का इक्वेशन हमें मिलेगा एन ई अपॉन स्मॉल आर प्लस एन अपॉन कैपिटल आर जिसको हम ई डिवाइड बाय आर अपॉन एन प्लस कैपिटल आर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ऊपर का टर्म एन से डिवाइड किया नीचे का टर्म एन से डिवाइड किया दिस विल बी आर अपॉन एन हियर आर. तो ये हमें पैरेलल कनेक्शन के लिए करंट इन एक्सटर्नल सर्किट का रिलेशन मिला. अब सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन सेल का कब यूज किया जाता है? अगर हमें यहां पर करंट को मैक्सिमाइज करना है तो कंडीशन ले सकते हैं व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर when small r is greater than capital R, then capital R can be neglected. अगर हम capital R को neglect करते हैं तो I का equation बन जाता है E divided by R upon N. So I is equal to N E upon R. So here I is maximum. तो अब सबसे important condition जब हमें इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ज्यादा दी होती है तो करंट को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें सेल को पैरेलल में अटैच करना पड़ता है. अगर हम सीरीज वाला कंसेप्ट आगे देखें तो उसमें था जब आर ग्रेटर देन स्मॉल आर होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा होता है इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल होता है तो हम जनरली प्रीफर करते हैं सीरीज कनेक्शन तब हम प्रीफर करते हैं सीरीज कनेक्शन. तो ऑलवेज याद रखना है हमें सर्किट में करंट मैक्सिमाइज करना है मैक्सिमाइज करंट करने के लिए अगर इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल है एक्सटर्नल की कंपैरिजन में तो सीरीज को प्रीफर करो अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की कंपैरिजन में इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो ऐसी सिचुएशन में पैरेलल कनेक्शन को फॉलो करो अगर दोनों कंपेरेबल है तो ऐसी सिचुएशन में हम यूज कर सकते हैं सीरीज और पैरेलल का मिक्स कॉम्बिनेशन जो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे.